शैतान ने अपने दोनों चेलों की जान बचा ली थी और वो आक्रोश से भरा हुआ था। यहाँ नागराज रुद्र और नागरानी मनसा का असली रूप गांव वालों के सामने था। मुखिया जी और गांव वालों ने नागराज और नागरानी के पैर छुए। हमारा जीवन धन्य हो गया जो हमें आपके दर्शन हो गए। सदैव खुश रहो, अब हमें चलना चाहिए। पर क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते हमारी वजह से फिर से इस गांव में कोई मुसीबत आन पड़े। आज तक हम इस गांव में बहुत हंसी खुशी से रहे, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। हमें आज्ञा दीजिए। जैसी आपकी इच्छा। मुखिया जी और गांव वालों ने प्रणाम किया और नागराज रुद्र और नागरानी मनसा वहां से गायब हो गए। वो दोनों जंगल में अपने असली रूप में आ गए। इस बार शैतान ने अपने राक्षसों को बचा लिया। हाँ, और अब यही परेशानी है कि वो और राक्षसों के साथ हमला करेगा। हमें कहीं ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ शैतान हमें ढूंढ ही ना पाए। मुझे पता है हमें कहाँ जाना है। नागराज रुद्र और नागरानी मनसा एक बड़े से शहर के बाहर खड़े थे। इस शहर में इंसानों की आबादी काफी है, इतने सारे इंसानों में शैतान हमें ढूंढ नहीं पाएगा। हाँ, ये सही रहेगा। अब जब हम शहर आ ही गए हैं तो शहरी रूप भी धारण कर लेते हैं। नागराज रुद्र ने अपना रूप बदला, उनका पहनावा बदल गया। वाह, जीन्स टी शर्ट, अब मेरी बारी। नागरानी मनसा ने भी अपना रूप बदला। अच्छी लग रही है तुम भी ये कुर्ती और लेगिंग्स। आप कहीं तो हमेशा यही पहनूं? जैसी तुम्हारी मर्जी नागरानी। चलिए अब शहर के बाजार में घूमकर शहरी लोगों का हाव भाव सीखते हैं। हाँ चलो। एक ओर नागराज रुद्र और नागरानी शहर में दाखिल हो चुके थे, वहीं दूसरी ओर शैतान सोच में पड़ गया कि आखिर कौन सा राक्षस नागराज और नागरानी से नागमणि हासिल कर सकता है। नेवले को भी इन दोनों ने मार दिया। मुझे उससे भी ज्यादा ताकतवर राक्षसों की जरूरत है जो नागराज और नागरानी से भी शातिर हो। आखिर कौन है ऐसा राक्षस? और अचानक शैतान को चमका। मोर, मैं मोर को कैसे भूल गया। मोर राक्षसों से ज्यादा धूत कौन हो सकता है। दिखने में मनमोहक और साथ ही घातक, इन दोनों नागराज और नागरानी से अब मोर ही निपट सकता है। मोर राक्षस, तुरंत मेरे सामने प्रकट हो। शैतान के बुलाते ही मोर उसके सामने आ गया। तू तो जानता ही होगा कि मैंने तुझे यहाँ क्यों बुलाया है। हाँ जानता हूँ, क्योंकि ये सब नागराज और नागरानी से हार गए हैं इसीलिए। हाँ, और मुझे यकीन है कि तू जरूर जीतेगा और वो नागमणि जरूर हासिल करेगा। कोई शक? वैसे मोर, उन दोनों नागराज और नागरानी को हल्के में मत ले, दोनों बहुत ही शातिर हैं। मुझसे ज्यादा शातिर नहीं होंगे। वो तो समय ही बताएगा। ये देख, उन दोनों ने गरुड़ राक्षसों का क्या हाल किया है। देख रहा हूँ, तुम दोनों को कहीं जाकर डूब मरना चाहिए। गरुड़ होकर नागों से जीत नहीं पाए। ये तू इसलिए बोल रहा है क्योंकि तेरा अब तक उन दोनों से सामना नहीं हुआ है। अगर राक्षस खुद दुश्मन की तारीफ कर रहे हैं तो जरूर दुश्मन में दम होगा। अब मैं आ गया हूँ ना, देखते हैं वो नागराज और नागरानी कितने शक्तिशाली हैं। यहाँ शहर में नागराज रुद्र और नागरानी मनसा एक सोसाइटी में एक फ्लैट किराए पर लेने पहुँचे। ये फ्लैट है, किराया 10,000। देख लो, सब अच्छे से देख लो। मुझे ये फ्लैट पसंद है। देख लो मैडम, इस फ्लैट में ज्यादा सुविधा नहीं है, ना एसी है, ना फ्रिज और ना ही वॉशिंग मशीन। आप दोनों अगर अपना बजट बढ़ाएंगे तो इससे अच्छा फ्लैट दिखाता हूँ आपको। नहीं नहीं, हमें ये फ्लैट पसंद है। पर मैडम, एक बार सोच के तो देखो, घर में एसी होगा, ठंडी हवा आएगी, फ्रिज होगा, ठंडा पानी मिलेगा, सोचो सोचो। नागरानी मनसा ने नागराज रुद्र की ओर देखा। लेकिन हमें तो यही फ्लैट पसंद है। ये लो आपके 10,000 रुपए एडवांस में किराया। ठीक है, रेंट रिसिप्ट में शाम को लेकर आता हूँ। रेंट रिसिप्ट क्या? अभी भाड़ा भरा ना, उसका पावती। ओह ठीक है ठीक है, एजेंट वहाँ से चला गया। ये आदमी ऐसे क्यों बार बार दूसरा घर लेने की जिद कर रहा था? क्योंकि ये उसका काम है नागरानी, उसको हर घर से कुछ पैसे कमीशन में मिलते हैं। ज्यादा भाड़े वाले घर से ज्यादा कमीशन, समझे? समझ गई,
शहर के सारे इंसान मतलबी होते हैं, गांव वालों की तरह भोले नहीं। सारे नहीं, कुछ अच्छे भी होते हैं। यहाँ बहुत गंदगी है, साफ करती हूँ। नागरानी ने ताली बजाई और झाड़ू अपने आप कचरा साफ करने लगी और दूसरी ओर झाड़ू से पोछा भी लगने लगा। ये हुई ना बात, अब इस घर को सजाती हूँ। नागरानी ने फिर से ताली बजाई, दीवार पर घड़ी और पेंटिंग आ गई, फिर सोफे, कारपेट, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, बर्तन, सब कुछ आ गया। बहुत अच्छे, अब थोड़ा आराम कर लेते हैं। पर तभी दरवाजे पर बेल बजी। नागराज रुद्र दरवाजा खोलने गए। वो मैं आपके डॉक्यूमेंट लेना भूल गया। अरे ये क्या, ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी जल्दी ये घर कैसे बदल सकता है? कहाँ कुछ बदला है। नागरानी मनसा ने फिर से ताली मारी और सब पहले जैसा हो गया। एजेंट बौखला गया, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। हाँ, मुझे भी कुछ बदला नहीं लग रहा। एजेंट अपनी आंखें मसलने लगा। शायद मेरा भ्रम था। खैर छोड़िए, मुझे आपके डॉक्यूमेंट चाहिए थे। कैसे डॉक्यूमेंट? आईडी कार्ड, पहचान पत्र। नागरानी मनसा ने फिर से ताली बजाई और उनके हाथ में दो आईडी कार्ड आ गए। ये लीजिए। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। एजेंट वहाँ से चला गया और नागराज रुद्र और नागरानी मनसा हंस पड़े। वहाँ शैतान अपनी शक्ति से गांव भर में नागराज और नागरानी को ढूंढ रहा था। ऐसे कैसे हो सकता है, वो दोनों मेरी शक्ति से चुप कैसे सकते हैं? अगर वो इसी गांव में है तो वो मुझे देख क्यों नहीं रहे? हो सकता है उन्होंने वो गांव छोड़ दिया हो। यही हुआ होगा, वरना वो दोनों मुझसे छुप नहीं सकते। लेकिन अब हम कैसे ढूंढेंगे? हाँ, वो किसी भी दिशा में गए हो सकते हैं और वो इच्छाधारी नाग नागिन है। फिलहाल उन दोनों ने कौन सा रूप लिया होगा, हम कैसे पता लगाएंगे? वो कोई भी रूप ले ले, कहीं भी चले जाए, मैं उन दोनों को ढूंढ कर ही रहूंगा। क्या शैतान नागराज रुद्र और नागरानी मनसा को ढूंढ पाएगा? क्या शैतान नागमणि हासिल कर पाएगा? जानने के लिए देखते रहिए हमारा अगला एपिसोड।